टेक्सास चेंसो मैसेकर। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो और अभी तक आप बच्चे हो या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल हो जिसकी ज़्यादा एक्सेसिव वायलेंस या फिर खून खराबे से फटती है, तो इस मूवी से जितना हो सके उतना दूर रहो। कि ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी। आप कोई PG-13 मूवी देख लो या फिर कोई सॉफ्ट हॉरर मूवी देख लो। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के आदमी हैं, यानी कि अगर आपको ब्रूटैलिटी, वायलेंस और खून खराबा बहुत पसंद है, तो इस मूवी को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये आप ही के लिए बनी है, क्योंकि इस मूवी में एक मेंटली अनस्टेबल आदमी जो कि मरे हुए आदमी के चेहरे के चमड़े का मास्क बना के अपने चेहरे पर पहनता है और हाथ में चेंसॉ लेके 50 आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह काट देता है। और अगर आपको ये प्लॉट इंटरेस्टिंग लगा तो वेलकम टू दिस वीडियो। और मैं इस वीडियो में मूवी के बारे में कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला। हालांकि ऑनेस्टली बताऊँ तो इस मूवी में स्पॉइलर देने लायक कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्पॉइलर दे भी दूँ फिर भी आप ये मूवी ज़रूर देखोगे। शायद अगर आपको नहीं पता तो ये मूवी टेक्सास चेंसॉ मैसेकर फ्रेंचाइजी की 9th मूवी है और इस फ्रेंचाइजी की स्टार्टिंग 1974 में हुई थी। और ये मूवी ओरिजिनल मूवी यानी कि 1974 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल है और बीच में के 8 मूवीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। तो इस मूवी को एंजॉय करने के लिए आपको इस फ्रेंचाइजी की पिछली 8 मूवीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, जिस ओरिजिनल मूवी का ये सीक्वल है वो ओरिजिनल मूवी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी वाइज दोनों का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बल्कि अगर आप ओरिजिनल मूवी देखोगे तो आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये स्टोरी क्या चल रही है। क्योंकि इस मूवी में ओरिजिनल यानी कि 1974 वाली मूवी के दो कैरेक्टर वापस आ रहे हैं, एक है लीदर फेस और दूसरा है सैली। और सैली वो लड़की है जो कि पहले मूवी में लीदर फेस से बच के भागने में कामयाब रही थी और इस चीज़ को अभी 50 साल हो गए और इस हिसाब से सैली अब बुढ़ी हो चुकी है। लेकिन अगर हम लीदर फेस की बात करें तो लीदर फेस अभी तक बुढ़ा नहीं हुआ है, वो वैसे कि वैसा ही है। बल्कि उल्टा उम्र बढ़ने के कारण वो और ज़्यादा स्ट्रांग और फास्ट हो गए हैं और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें मूवी ख़त्म होने तक नहीं मिलता। और आप इसे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिए क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सैली जो कि 50 साल पहले लीदर फेस के अटैक से बच गई थी, वो पिछले 50 सालों से ट्रेन कर रही है लीदर फेस को मारने के लिए। लेकिन एक्चुअल जब लीदर फेस को मारने का टाइम आता है तो उसे नहीं मारती और डायलॉगबाजी करने लगती बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज़ की तरह। और इतना ही नहीं, मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो टिपिकल हॉरर मूवी कैरेक्टर्स दिखाए गए, यानी कि डंब कैरेक्टर्स, और वो वही सब करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक आदमी चेंसॉ लेके मार रहा है तो आप उसके नज़दीक नहीं जाते, आप उससे दूर भागते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर्स वैसा नहीं करते। मुझे इस मूवी में लीदर फेस की किल काउंट तो पता नहीं, लेकिन हाँ, लीदर फेस ने जिन जिन भी कैरेक्टर्स को मारा है उनकी डेथ आपके दिमाग में छप जाएगी और वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि इतना ब्रूटल और वायलेंट किल है। और एक समय तो ऐसा आता है कि आपको लगता है कि बस करो भाई मूवी, मुझे आगे नहीं देखना। और यही इस मूवी का सेलिंग पॉइंट भी है, यानी कि ब्रूटैलिटी, वायलेंस और ब्लड, यही सिर्फ आपको मूवी में मिलेगा। और अगर आप इस मूवी में स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉमेडी या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है और इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अगर आपको 83 मिनट्स की मूवी में आपको 50 लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हो तो आप किस किस को डेवलप करेंगे। और बहुत सी बार मूवी में तो ऐसा भी होता है कि कोई कैरेक्टर मर रहा है लेकिन हमें उसका नाम भी पता नहीं, तो उसके बारे में हमें कोई केयर भी नहीं है। मूवी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि मूवी में बहुत ही अच्छा सस्पेंस है। हमें पता है कि लीदर फेस इनको मारने वाला है, लेकिन वो कैसे मारने वाला है और कहाँ मारने वाला है ये हमें नहीं पता। और इसी वजह से बहुत सारी मूवी में अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हैं जिसे आप ज़रूर एंजॉय करोगे। अगर आपको टेक्सास चेंसॉ मैसेकर की फ्रेंचाइजी पसंद है तो आपके लिए खुशखबरी है कि इसका ऑलरेडी सीक्वल अनाउंस हो चुका है और उस पर काम चल रहा है। और अगर हम स्टूडियो की माने तो इसके कम से कम 4 और सीक्वल्स आने वाले हैं जो कि हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो आपके इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और टोटल ओवरऑल टेक्सास चेंसॉ मैसेकर फ्रेंचाइजी आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइए।